हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे। दोस्तों हमने अपने लिए एक होम थिएटर खरीदा है जो कि बेस बॉक्स कंपनी की तरफ से खरीदा है और जो कि इनका दिल्ली में अपनी शॉप है और दोस्तों वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं और ये सुपर स्टार मॉडल है ST-B9944 और काफ़ी अच्छा होम थिएटर है। अभी इसको खोल के देखेंगे, इसके फीचर की बात करेंगे, उसमें क्या सिस्टम है, क्या लगा हुआ है और कितनी बेस है इसके अंदर, बेस की और ट्विटर की संख्या देखेंगे। और देखिए हमने वो खोल लिया है दोस्तों, ओपन कर लिया है। साथ में इसमें देख हमें रिमोट मिल चुका है इसमें साथ में। तो दोस्तों वैसे तो दो रिमोट आए हैं लेकिन फिर भी आपको एक ही मिलने वाला है। दो मुझे एक्स्ट्रा एक जरूरत थी, वो मैंने इसलिए मंगा लिया था। और जो इसकी हाइट एंड वाइट की मतलब ऊँचाई और लंबाई की बात करें तो देखिए दोस्तों ये इसकी हाइट हो गई। और यहाँ पे चौड़ाई की बात करें देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 इंच है। पहले जो थी इसकी वो दोस्तों 28 इंच थी लंबाई, जो मतलब ऊंचाई है इसकी एक तरह से। तो दोस्तों जो ट्विटर लगे हुए हैं यहाँ पे, इसके चार ट्विटर लगे हैं। इसकी जो साइज है वो 3 इंची का साइज है, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी टोटल लगे हैं ट्विटर, इनका सभी का 3 इंची साइज है। ये देख लीजिए जो अंदर की तरफ से कौन है इसका 3 इंची का साइज है। और इसमें दो वूफर भी हैं साइड में, यानी कि बेस के लिए जो वूफर हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है बेस बॉक्स, यानी कि बेस काफ़ी अच्छे आने वाली है इसमें। क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर ही पूरा सेट के अंदर आपको दो बेस देखने को मिल जाती है, जो कि 8-8 इंची की दो बेस आपको वूफर देखने को मिल जाता है। साइज़ देख लीजिए 8 इंची है। ऐसे ही नीचे की तरफ इसमें जो वूफर लगा हुआ है उसका भी साइज़ 8 इंची ही बिल्कुल सेम है। वूफर में बंधे हुए हैं दोनों के तरफ। यहाँ पे अभी सही से आपको नहीं दिख पा रहा हूँ लेकिन अभी आपको अच्छे से दिखाएंगे, साथ में आपको इसे बजा के दिखाएंगे। फ्रंट पैनल पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है काफ़ी अच्छी और साथ में दोस्तों लाइटिंग की लुकिंग है, अभी हम इसे सेट को ऑन करके दिखाएंगे। इसमें फंक्शन की बात करें ब्लूटूथ, FM, AUX, USB, माइक कनेक्शन ये सब मिल जाता है। और इसमें हमारा TV, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, PC में से यूज़ कर सकते हैं आसानी से। जो बॉडी है फुल वुडन बॉडी है इसकी, मतलब काफ़ी अच्छे से मैप बनाई गई है। और जो इसकी डिस्प्ले है वो काफ़ी लार्ज है, काफ़ी अच्छे से उसकी डिजाइन है वो क्वालिटी में एकदम अलग ही है, मतलब चलने में भी है। यहाँ पे साइड में इसके देखिए दोस्तों वॉल्यूम बेस ट्रबल का यहाँ पे टोन देखने को मिल जाता है, बेस ट्रबल वॉल्यूम जो कनेक्शन यानी कि कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे साइड में ही आपको राइट साइड में दो बड़े बड़े स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो वूफर में है जो हमारे बेस के लिए। और फ्रंट पैनल पर अपना दोस्तों ट्विटर है ही और चार स्टैंड है, जो कि ये चार स्टैंड पर रुक रहा है। काफ़ी लुकिंग बेस अच्छी है इसकी। अब देखिए दोस्तों हमने सेट को ऑन कर दिया है, इसको कनेक्ट कर लिया है, अभी हम इसे चेक करेंगे। जब इसे आप टेस्ट करें तो दोस्तों हेडफोन का यूज़ करें, काफ़ी अच्छी आपको साउंड देखने को मिला। देखिए ये देखिए कितना पंच आ रहा है, काफ़ी अच्छी बेस है। ये देखिए का कितना अच्छा बेस आ रहा है, बहुत ही बढ़िया एकदम लुकिंग देखिए लाइट की। और यहाँ से वॉइस घटाने बढ़ाने का हो गया है वॉल्यूम, इसकी बेस जो है वो अलग है एकदम। ओनली बेस है, ओनली ट्रबल बोल। साइड में जो वूफर के ऊपर जाली लगी है मैं उसे उतार के आपको अभी दिखाता हूं। अब कर लेते हैं दोस्तों इसके फंक्शन की अगले की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होता है कभी कभार जैसे फंक्शन वगैरह। तो जैसे कि माइक, माइक को यूज़ करने देखे पास मेरे पास बॉय M1 का माइक है, मैं उसको लगा के दिखा रहा हूँ। वैसे इसमें प्रोफेशनल अलग माइक लगते हैं, ये भी ठीक है लेकिन लगाने के लिए यूज़ है। अब इसे बैक पैनल पर देखिए हम माइक को लगाएंगे, माइक लगाने के बाद फंक्शन चेंज करना होगा, हमें फंक्शन चेंज करना होगा फ्रंट पैनल से। ये माइक है मेरे हाथ में, अब फ्रंट पैनल पर जो ये ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है मोड का बटन दबाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम दबाते रहेंगे फिर FM मोड, फिर ये ऑक्स मोड, फिर रिकॉर्डिंग मोड, फिर ये ECS जो लिखा आएगा, इस पे आपका चलने वाला है माइक। और जब भी आप माइक इसके पास यूज़ करो तो दूर से दूर यूज़ करना है, पास में नहीं। पास में आपको थोड़ा साउंड चीं चीं का साउंड आने लगेगा एकदम से, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए। हेलो 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 हेलो। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ओके है। अगर आप इसकी आवाज़ बढ़ाओगे ज़्यादा और माइक को बिल्कुल पास रख दो, जो सो चीं चीं की आवाज़ करने लगता है वो सभी में होता है, दूर ले जाइए माइक को, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्वालिटी देगा साउंड में, काफ़ी बढ़िया से। तो ये देखिए, तो दोस्तों माइक तो काम कर रहा है, लेकिन पास में जितना माइक रहेगा उतनी प्रॉब्लम होती है सभी एम्पलीफायर के साथ, जो कि इसमें अभी आपको देखने को लग रहा होगा सी सी, वो ऐसा नहीं है। अब ख़रीदने की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे ख़रीदना है इसको आपको, आपको नॉर्मली गूगल पे जाना है अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप पीसी में, वहाँ पर बेस बॉक्स STB9944 भी सेलेक्ट कर, मतलब सर्च कर सकते हो, लिख सकते हो टाइपिंग में, और उस पर जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट इनकी बेस बॉक्स के नाम से आ जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे इनके अपनी वेबसाइट खुल जाएगी, जितने भी मतलब इसके मॉडल हैं बेस बॉक्स के, पूरे जितने भी टावर मॉडल हैं, डबल सिंगल डबल बेस सिंगल बेस सभी तरह के मॉडल आपको सामने खुल जाएंगे। तो ये वाला जो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हमने ये वाला ख़रीदा था, तो देखिए हमने कैसे कैसे ख़रीदा। पहले इस पर क्लिक करेंगे, तो हमने क्लिक करने के बाद इसका यहाँ पे साइड में प्राइस वगैरह स्पेसिफिकेशन जो भी इसका लिखा हुआ आ जाएगा सभी कुछ टोटल यहाँ पे, और इसको ऐड टू कार्ट में, मतलब एक ख़रीदना है दो ख़रीदना है उसके हिसाब से नीचे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट, इस पर आप संख्या डाल दीजिए। तो अभी मैंने एक डाल रखा, तो एक पे मैं राइट कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर आ गया देखिए लिखा हुआ, तो व्यू कार्ट करता हूँ मैं। व्यू कार्ट पे जैसे ही करूँगा इसका प्राइस, और अपना दोस्तों ये कहेगा कूपन कोड है तो कोई, मैंने कूपन कोड दे रखा है आपको SK200। वैसे तो पहले ही ऑलरेडी डिस्काउंट काफ़ी सारा चल रहा है, लेकिन इससे भी आपको ₹200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी आ चुकी है, आ चुका है देखिए कूपन डिस्काउंट में, यहाँ पे लिखा आ चुका है। ये मेरा एड्रेस है जो मैंने एड्रेस पहले फिल किया था, और पूरा टोटल जो उतना भी GST वगैरह लग के वो हो जाएगा, और जो दोस्तों डिलीवरी चार्ज है वो इनका एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पे साइड में दोस्तों जो मैंने ब्लर कर रखा है लेफ्ट साइड में, वो अपना टोटली एड्रेस डालना है आपको। एड्रेस डालते ही जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, तो पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे कि बोल सकते हो EMI का ऑप्शन भी है, यानी कि प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करोगे अपने आप ही यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा इसका सारा डिटेल। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपको सारा कुछ लिखा जाएगा, मतलब EMI ऑप्शन भी है, अगर आप डेबिट कार्ड या UPI गूगल पे फ़ोन पे इनसे भी करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो करीब करीब यहाँ पे दोस्तों अपना नेट बैंकिंग का UPI का कार्ड का कभी करीब करीब सभी का दे रखा है, तो इस हिसाब से दोस्तों आप आसानी से वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हो, EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको इसके सारे फीचर बता दिए हैं, आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। अगर WhatsApp पे मैंने इनका लिंक दे रखा है, नीचे नंबर भी दे रखा है, वहाँ से जाके बुक कर सकते हो। इनकी टीम है वहाँ पे, आप बताइए कौन सा लेना है आपको, अच्छे से ऑर्डर करके आप इनसे बात कर सकते हो। रही सर्विस की बात, कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों ऑनलाइन आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे, और वारंटी 6 मंथ वारंटी आपको पूरे सेट की मिल जाती है, यानी कि ऑनलाइन आपको फुल सपोर्ट रहेगा। कोई समस्या बनती है तो आप इनसे कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं, और पहले WhatsApp पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको टोटली ये बता देंगे जो भी प्रॉब्लम है आपका ऑनलाइन समाधान हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको कैसा लगा होम थिएटर में कमेंट में जरूर बता देना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें, बहुत खुश रहें।